के नाम 126 गोल्ड मेडल्स लेकर कराची सरे फहरिस्त रहा। हैदराबाद 15 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर, सखर ने 12 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की, मीरपुर खास 7 गोल्ड मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर रहा, जबकि शहीद बेनजीराबाद ने 6 गोल्ड मेडल्स के साथ पांचवी पोजीशन हासिल की, लाड़काना ने 4 गोल्ड मेडल्स के साथ छठा नंबर हासिल कर लिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं 17वें सिंध गेम्स में मेडल्स की जंग कराची ने अपने नाम कर ली है। 126 गोल्ड मेडल्स ने लेकर कराची सरे फहरिस्त रहा है, तो यूं ये जंग कराची ने जीत ली है। इसके अलावा हैदराबाद 15 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा, सखर ने 12 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजिशन हासिल की, उसके बाद मीरपुर खास 7 गोल्ड मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर रहा, शहीद बेनजीराबाद ने 6 गोल्ड मेडल्स के साथ पांचवी पोजीशन हासिल की, लाड़काना ने 4 गोल्ड मेडल्स के साथ छठा नंबर हासिल किया, और यूं ये जंग शहरे का ने अपने नाम किया। असगर अजीम से डिटेल्स लेते हैं, असगर अपडेट कीजिएगा। देखिए सिंध गेम्स के अब अख्तितामी मराहिल में दाखिल है, अब से कुछ देर के बाद वज़ीर आला सिंध अख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका अहतमाम नेशनल कोचिंग सेंटर में किया गया है। इस सिंध गेम्स में जहां कुछ अच्छाइयां हुई कुछ खराबियां नजर आईं, वहीं एक बात जरूर नजर आई कि खिलाड़ियों को तकरीबन 5 साल के बाद जो है अपॉर्चुनिटी मिली अपनी अपनी सलाहियतों के इजहार के। कराची ने इसको जीता है और 126 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। सिंध गेम्स में जो पोजिशन थी वो गोल्ड मेडल के हिसाब से थी, तो कराची जो दिफाई चैंपियन था और 16वीं बार उसने ये एजाज अपने नाम किया है 126 गोल्ड मेडल लेकर, हैदराबाद दूसरे और सखर तीसरे नंबर पर है, जबकि अख्तितामी तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, बस चीफ गेस्ट का इंतजार है। जी ठीक है असगर अजीम, नुमाइंदा कैपिटल टीवी, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।